इसका साउंड देखो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग। मैं हूं शेफ अल्ताफ। आज हम बनाएंगे निमकोज। चने की दाल की वीडियो मैं जो है पहले बना चुका हूं बहुत पहले, और जिन मेरे बहन भाइयों ने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे जाके वो देख सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल, सिर्फ और सिर्फ मूंग दाल की निमको। जैसे खस्ता मूंग दाल होती है आपने देखा होगा निमको में, तो वही हम बनाने जा रहे हैं। निमको अगर मिक्स बनाने जाएंगे तो उसका प्रोसीजर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि काफ़ी आइटम होते हैं वो एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में नहीं बन सकते। आज हम सिर्फ और सिर्फ मूंग का दाल बनाएंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही एपिसोड आते जाएंगे मैं उसके साथ नंबर लगाता जाऊंगा, तो आप मेरे जाके वीडियोज़ में देख सकते हैं। मूंग दाल बनाने से पहले रिक्वेस्ट मेरे और अपने चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें। ये जो दाल है मैं एक दिन पहले मैंने भिगो दी थी, और ये देखें भीग के बड़ी हो गई है, फूल गई है, ये देखें इस तरीके से। अब हम इसको दो तीन पानी से धोएंगे, वॉश करेंगे अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर एक स्ट्रेनर में निकाल के रख के इसको ड्राई करके फिर दिखाएंगे आपको। तो हमारी ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है अच्छे तरीके से, दो तीन पानी धोने के बाद ये देखें बिल्कुल पानी नहीं है, थोड़ी बहुत नमी है तो नो प्रॉब्लम चलेगा। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो यहाँ पे हमारा जो ऑयल है गरम है, आपका ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए, गरम ही होना चाहिए, और फुल गरम भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें जैसे हमने दाल डाली तो ये फौरन उठ के ऊपर आ रही है, तो हमारा जो ऑयल का टेम्परेचर है यानी कि वो परफेक्ट है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल। ये थोड़ी देर में ये सारी ऊपर आ जाएगी, तैरने लग जाएगी, तो हमारी यानी कि फ्राई हो जाएगी। अभी इसमें थोड़े से टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारी जो है दाल फ्राई होकर ऊपर आ चुकी है, और आप इसको ज़्यादा कड़क नहीं करना वरना ये कड़क हो जाएगी और अजीब सी हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारी दाल रेडी हो चुकी है, ये देखें इसका साउंड देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। इसके ऊपर अभी हम डालेंगे मसाला। मसाला अगर आप डालना चाहो तो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, आप वो मसाला जाके देख सकते हैं और डाल सकते हैं। अगर वो आपके पास ना अवेलेबल हो, ना टाइम हो आपके पास, तो आप इसमें सिंपल चाट मसाला अच्छे क्वालिटी का लेके वो आपने छिड़क देना है यहाँ पे, फिर उसको तो हमारी मूंग की जो दाल है निमको वाली तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।